हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गुरमीत कौर और सिंह फैमिली में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। अभी बजे शाम के 6 और आज हम लोग जा रहे हैं मेरी छोटी बुआ के पास। रास्ते में है अरमान, अलीजा, अवलीन बैठे हैं गाड़ी में, तो चलते हैं, आपको मिलाएंगे मेरी बुआ की फैमिली से। और अगर अभी तक आपने हैप्पी सिंह फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और अरमान बाबू की फैमिली का मेंबर बनिए, और प्लीज़ हमारे इंडिया वाले व्लॉग को मिस मत करना। अरमान हंसता देखकर मम्मा बातें कर रही है। अरमान खा रहा अंगूर, और बाहर है भीड़। शाम को ट्रैफिक हो ही जाता है शहरों में ना। मामा कल्ले दा ही बने फिर कितने दिनों से बुआ वेट कर रही थी पर लेट हो गए। हेलो अरमान, आ जा आ जा। हेलो, हमने हमारी दीदी का सामान उतार लिया है गाड़ी से। बच्चे उतार रहे हैं सामान, हम लोग बैठ गए हैं, बहुत खुश है इतने टाइम बाद आए। आ गया हमारा अरमान, आज जा जाओ मामा के पास जाओ बेटा। आज खुश हो गया, जाओ भाई जाओ। दीदी आ गई, कौन है? अरमान है, मामा जी है ना, मामा जी। हंसो अरमान, हंसो, बहुत अलीजा अवलीन खेलने लगी है आकर। क्या खेल रहे हो? ये दोनों काके हैं, ये दोनों छोटे बेबी हैं, छोटे बेबी हैं दोनों। ये पंगे पंगे पंगे, और ये कितने साल के? ये पांच की है, ये छह की है। ये पांच की है, ये पांच की है। तुम? मैं दस की। सुबह के बज गए थे 7 फ्रेंड्स, और बुआ जाती इस टाइम दूध निकालने। मैंने कहा चलो आज मैं भी जाती हूँ आपके साथ, इतने सालों बाद मैं भी ट्राई करूँगी दूध कैसे निकालते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह बिल्कुल शांत था, खेतों वाला माहौल था और अच्छा लग रहा था।
अभी हम आए हैं दूध निकालने बुआ के साथ। ट्राई करते हैं, पहले मैं सारे काम कर लेती थी, आज काफ़ी सालों बाद ट्राई करूंगी कि दूध कैसे निकलता है। हम लोग ना ये बांधते हैं फ्रेंड्स कि ना पशु लात ना मारे दूध निकालते। दूध निकाला इतना अच्छा लगा ना, बहुत साल हो गए मैंने कभी दूध नहीं निकाला, 15 साल बाद दूध निकाला फ्रेंड्स, पर आ ही गया। अभी बुआ निकाल रही है, वो गाय थोड़ा सा डरती है देख कर कि कोई और आ गया ना। हमारी बुआ का घर खेतों में ही है फ्रेंड्स, और सामने सरसों है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओस पड़ी हुई है, ठंड है इधर काफ़ी, गंगानगर में तो गर्मी लगती है, इधर ठंड है, अच्छा मौसम है। जर्मन देसी जा है, जर्मन प्योर नहीं है ना। मक्खी लड़ गई छोटी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अवलीन के झाड़ा डाल रहे हैं, यहाँ पर लड़ गई है। जब मैं छोटी थी ना, तब किसी के टाटिया या मक्खी काट लेती थी ना, तो मैं उसके झाड़ा डालती थी। आज अवलीन के लड़ गई तो मैंने कहा चलो अवलीन पर ट्राई करते हैं। फ्रेंड सच में ये असर करता है, जहाँ पर मक्खी लड़ी है ना, झाड़ा डाल देना वहीं पर रुक जाता, नहीं तो हाथ सूज जाता है ना। बुआ खेलती है अरमान के साथ, इधर पानी गर्म हो रहा है। इन्होंने यहाँ पर एक टैंकी बनाई है छोटी सी, बहुत जल्दी पानी गर्म हो जाता है।
यहाँ पर इन्होंने फूल लगाए हैं। और क्या लगाया है? मेथी, मेथी लगाई है। ओ बिल्ली भाग गई। पालक हाँ की उसमें लगाए हैं। अगले साल लगेंगे, अभी छोटा लग रहा है ना। अलीजा अवलीन खेल रही हैं। अलीजा अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अलीजा राज है। मेरे को पता नहीं कौन सा दिन और आज बहुत जल्दी जा रहा है। आज मैं मेरी नानी बुआ के पास आई हूँ। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा। मेरी फ्रेंड है, ये भी मेरी फ्रेंड है। खेल रही है अली। और बिल्ली भाग गई, गाड़ी के नीचे चली गई। देखो ये दोनों फ्रेंड है। अरमान हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विलेज व्लॉग। विलेज में कैसे रहते हैं? हम ऐसे चारपाई पर बैठते हैं। जो मजा चारपाई पर बैठने में आता है ना, वो बेड पर बैठने में नहीं आता। इसमें क्या बन रहा है? इसमें लहसुन। अच्छा, लहसुन कूट रहे हैं ना। हाँ जी। अभी तड़का लगाएंगे। पहले बैठ कर कूटते थे ना। मैं तो यहीं पर खड़ी खड़ी। जब हम लोग गांव में रहते थे ना, ऐसे ही पानी गर्म करते थे। वहां पर नलका भी लगा है। अरमान देखो, अलीजा अली सब ट्राई कर रही हैं, इधर से उधर। यहाँ पर बुआ के रोटी बनाते हैं चूल्हे पर। ये रसोई है इनकी, यहाँ पर खाना बनता है। अभी बनाएंगे दाल और सब्जी। यहाँ से गेट जाता है फ्रेंड्स, बाहर बैठकर रोटियां बनाते हैं। अलीजा अवलीन खेल रही हैं लड़कियों के साथ। सामने खेत है, कितना अच्छा लग रहा है ना। सरसों है। ये मेरी बुआ का खेत है, खेतों में ही घर है इनका। कितना अच्छा लग रहा है ना देखकर। कैसे लग रहा है अरमान? अरमान तो घूमी घूमी कर रहा है मामा के साथ। ये मेरी बुआ का बेटा है फ्रेंड्स, चार बेटियों के बाद हुआ है एक बेटा। मामा के साथ खेल रहा है अरमान। हाँ, नीचे नहीं जाना बेटा, अभी ठंडा है ना। दोनों साइडों में डिंपल्स हैं। अरमान के भी, साहब के भी हैं, देखो सेम सेम है। जीजा साला बहुत सुंदर लगते हैं। सो हाय गाइस, आज हमने हमारे हैप्पी सिंह चैनल के 30-25 सब्सक्राइबर बता दिए हैं। सो जो भी हमारे चैनल पर नया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी नई नई वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरा नाम सुखजोत सिंह, हम हैं मिर्जे वाले गांव से। बाय गाइस, आज के लिए। यानि बढ़िया लगता पानी ना, पानी है। अरमान यहाँ पर लोग ना बाहर कपड़े धोते हैं। ये मेरी भाभी है, इतना अच्छा लगता ना।
अरमान देखो तो पग बांध रहे हैं, बुआ बना रही है पराठे बच्चों के लिए, खाते हैं। बुआ कहा दे सीधे ही बनाए, हाँ एलिजा वलीन के लिए ना बटर वाले। खाना लग गया, बनाई है छोलिया पनीर दाल चावल रायता और पराठे सैलड, खाते हैं खाना। अरमान रो रहा है, हाँ अरमान भूखी लगी है, ये ले लो ना खा लो। मैं ट्राई करती रोटी बनाने, पहले आग जलाते हैं। अभी हम बनाएंगे रोटी, मेरी रोटी कौन खाएगा, बुआ। गाइस आप खा लो, बुआ कहती मैं खाऊंगी, कहती बनाओ। अलीजा भी इनको पता चल गया ना, तो आ जाएगी, कहेगी हमने भी रोटी बनानी है। अरमान बाबू देखो मम्मा क्या कर रही है। जो ये वाली लकड़ों से खुशबू आती है ना बहुत अच्छी, और रोटी भी बहुत ही टेस्टी बनती चूल्हे पर। ये कॉटन वाली फ्लावर है फ्रेंड्स, जब कॉटन निकाल लेते हैं ना तो फिर इसको सुखाकर तो फिर काम लेते हैं चूल्हे पर रोटी बनाने में। ये लोग तो गैस पर बना रहे थे, मैंने कहा चूल्हे पर बनाओ, आज हमने चूल्हे वाली रोटी खानी है। पार्ट टू कल आएगा फ्रेंड्स इसका, आज के लिए इतना ही। आप लोग हम लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।